Hello everyone, I am Professor N. V. Sathe welcomes you all in the 25th lecture of Industrial AC Machine Subject. So my dear students, we have discussed about the armature winding and its related definitions in the last class, right? So in that we have discussed some of the basic definitions like conductor, turn, coil, right? So here, first of all, we have defined the conductor. So how will define conductor? It is a part of the winding, right? ये एक part होता है winding का and the conductors are placed in the armature slots. Conductors कहाँ पे place किए होते हैं आपके armature slots पे and they are responsible for inducing the EMF. और वही आपके conductors responsible होते हैं वहाँ पे जो EMF induce हो रहा है उसको, ठीक है? तो हमें मालूम है अभी वर्किंग प्रिंसिपल हमने अल्टरनेटर का देखा है, ठीक है? तो उसमें हमने बताया था कि फील्ड वाइंडिंग हम रोटर पर प्लेस करते हैं और आर्मेचर वाइंडिंग अपन स्टेटर पर प्लेस करते हैं, ठीक है? और जब हम फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई देते हैं तब ईएमएफ कहाँ पे इंड्यूस होता है आपके आर्मेचर कंडक्टर्स में, ठीक है? तो उसकी वजह से यहाँ पे ये स्टेटमेंट दिया है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूसिंग द ईएमएफ, ठीक है? और कंडक्टर क्या होता है आपका, एक पार्ट होता है वाइंडिंग का और ये कंडक्टर्स आपके आर्मेचर स्लॉट्स में प्लेस किए होते हैं, ठीक है? समझली डेफिनेशन आती है, सिंपल डेफिनेशन आहे कंडक्टर ची, इट इज अ पार्ट ऑफ द वाइंडिंग, हा एक पार्ट आहे वाइंडिंग चा आणि कंडक्टर्स आपण कुठे प्लेस करतो आर्मेचर स्लॉट्स मध्ये आणि ते कंडक्टर्स रिस्पॉन्सिबल असतात तिथे ईएमएफ इंड्यूस होण्यासाठी. सो दिस इज सिंपल डेफिनेशन, राइट? सेकंड डेफिनेशन पहिली होती आपण व्हेन वी कनेक्ट टर्न ची, ठीक है? सेकंड डेफिनेशन पहली होती अपन टर्न ची. सो व्हेन वी कनेक्ट द कंडक्टर प्लेस इन वन स्लॉट टू अनदर कंडक्टर प्लेस इन अ डिफरेंट स्लॉट देन अ टर्न इज फॉर्म, ठीक है? कि जेव्हा एक कंडक्टर जो अपन एका स्लॉट मध्ये प्लेस केलेला आहे तो अपन कनेक्ट करतो दुसऱ्या कंडक्टर सोबत जो दुसऱ्या वेगळ्या स्लॉट मध्ये प्लेस केलेला असतो तेव्हा त्यापासून बनते आपली टर्न. म्हणून इथं दोन कंडक्टर्स ची मिळून एक टर्न फॉर्म केली जाते. त्यासाठी मी तुम्हाला ही डायग्राम दाखवली, ठीक? ये डायग्राम में क्या बोला था मैंने, ये आपका स्लॉट है स्लॉट नंबर वन, ये है आपका स्लॉट नंबर टू. स्लॉट नंबर वन में हमने यहाँ पे कंडक्टर वन प्लेस किया है और स्लॉट नंबर टू में हमने ये कंडक्टर टू प्लेस किया है. तो जब हम ये कंडक्टर व्हेन वी कनेक्ट अ कंडक्टर इन वन स्लॉट दैट इज कंडक्टर ये फर्स्ट स्लॉट में प्लेस किया है. सो व्हेन वी कनेक्ट अ कंडक्टर इन वन स्लॉट टू द कंडक्टर इन सेकंड स्लॉट, ठीक है? टू द अनदर कंडक्टर प्लेस इन अ डिफरेंट स्लॉट, दूसरे कंडक्टर को यहाँ पे कनेक्ट किया है वो जो कि डिफरेंट स्लॉट में प्लेस है, ठीक है? तब वहां पे क्या बनती है आपकी, ये टर्न बनती है. तो ये आपकी टर्न बन गई, ठीक है? ये कंडक्टर व्हेन वी कनेक्ट अ कंडक्टर इन वन स्लॉट टू द अनदर कंडक्टर प्लेस इन अ डिफरेंट स्लॉट देयर इट फॉर्म्स अ टर्न. समझ में आई ये डेफिनेशन है सिंपल आपकी टर्न की, ठीक है? कि जेव्हा आपण एक कंडक्टर एका स्लॉट मध्ये जो प्लेस केलेला आहे तो कनेक्ट करतो आपण दुसऱ्या कंडक्टर सोबत जो वेगळ्या स्लॉट मध्ये प्लेस केलेला असतो तेव्हा त्यापासून बनते आपली टर्न. क्लिअर आहे, ही सिंपल डेफिनेशन आहे. आणि त्यामुळे दोन कंडक्टरची मिळून एक टर्न बनते आपली, दोन कंडक्टरची मिळून काय बनते आपली, एक टर्न बनते. इथं एकच टर्न दाखवलेली त्यामुळे ही सिंगल टर्न असणार आहे आणि इथं एकापेक्षा जास्त टर्न्स दाखवलेले आहेत म्हणून ती असेल आपली मल्टी टर्न कॉईल. ही सिंगल टर्न कॉईल असेल, ही मल्टी टर्न कॉईल असेल, ठीक आहे? समजलं? इथं सुद्धा हा स्लॉट नंबर वन स्लॉट नंबर टू दाखवलेला आहे, ते कंडक्टर्स दोन प्लेस केलेले आहेत तिथं आणि या टर्न्स आहेत आपल्या आणि या टर्न्सला आपण ग्रुप टुगेदर केल्यानंतर त्यापासून बनते आपली कॉईल. तो नेक्स्ट डेफिनेशन आपली वही आहे कॉईल की. तो थर्ड डेफिनेशन क्या आहे कॉईल की, सो इच कॉईल हॅज अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स. प्रत्येक कॉईल मध्ये लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स असतात, ठीक आहे? हर एक कॉईल में लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वहां पे अँड अ नंबर ऑफ टर्न्स आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ कॉईल. जब हम ये सारे नंबर ऑफ टर्न्स को ग्रुप टुगेदर करते हैं तब बनती है वहां पे
coil, and a coil may be a single turn or a multi turn coil. तो आपकी coil यहाँ पे single turn की हो सकती है या फिर multi turn की coil हो सकती है, समझ में आया? तो ये third definition है आपकी. तो यहाँ पे एक ही turn है तो ये हो गए आपकी single turn coil, और यहाँ पे many turns दिखाए हैं तो ये हो गए आपकी multi turn coil. ठीक है, अभी जो साइड ये मल्टी टर्न कॉइल की जो साइड यहाँ पे स्लॉट में होती है इसको बोलते हैं कॉइल साइड. तो दिस इज नम यहाँ पे दो कॉइल साइड रहेंगे आपके, ये कॉइल साइड है और ये सेकंड आपकी कॉइल साइड है. ठीक है, कॉइल साइड की भी डेफिनेशन हमें आके देखना है. तो यहाँ पे ये दूसरी एक डायग्राम यहाँ पे दिखाई है, यहाँ पे सिंगल टर्न कॉइल है और ये मल्टी टर्न है. ठीक है, यहाँ पे एक ही टर्न दिखाया है और यहाँ पे मेनी टर्न दिखाए हैं. ठीक है, तो आपको जो इजी लगे डायग्राम वो आप निकाल सकते हो एग्जाम में. क्लियर है? देन ये हो गए आपने तीन डेफिनेशन, देन सिंगल लेयर वाइंडिंग एंड डबल लेयर वाइंडिंग. ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ डेफिनेशन है आपकी कॉइल साइड की. तो मल्टी टर्न कॉइल कंसिस्ट ऑफ मेनी टर्न, मल्टी टर्न कॉइल्स में अपने को मालूम है अभी मेनी टर्न्स होते हैं. तो पार्ट ऑफ द कॉइल विच इज देयर इन ईच स्लॉट इज कॉल्ड एज अ कॉइल साइड. और वही जो पार्ट है कॉइल का जो हर एक स्लॉट में होता है, ठीक है, अ पार्ट ऑफ द कॉइल विच इज देयर इन ईच स्लॉट, ये एक पार्ट है कॉइल का जो हर एक स्लॉट में होता है उसको बोलते हैं कॉइल साइड. ठीक है, तो मल्टी टर्न कॉइल कंसिस्ट ऑफ मेनी टर्न, यहाँ पे दिखाया है आपने ये मल्टी टर्न कॉइल है आपकी. ठीक है, तो ये मल्टी टर्न कॉइल की जो साइड स्लॉट में होती है, ठीक है, जो ये मल्टी टर्न कॉइल की जो साइड स्लॉट में आई होती है उसको बोलते हैं कॉइल साइड. ठीक है, समझ में आए? तो ये है डेफिनेशन कॉइल साइड की. मल्टी टर्न कॉइल साइड कॉइल कंसिस्ट ऑफ मेनी टर्न, सो अ पार्ट ऑफ द कॉइल विच इज देयर इन ईच स्लॉट. कॉइल चा पार्ट असतो जो प्रत्येक स्लॉट मध्ये असतो त्याला म्हणतो आपण कॉइल साइड. ठीक आहे, समजलं? देन फिफ्थ डेफिनेशन आहे पोल पिचची और पोल विड्थ. ठीक आहे, पोल पिच को दुसरा नाव आहे आपका पोल विड्थ. सो द सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स बिटवीन द स्लॉट इज वन पोल पिच. जे सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स असतं दोन स्लॉट मधलं त्याला म्हणतो आपण वन पोल पिच. ठीक आहे, सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स बिटवीन द स्लॉट. ठीक आहे, आता सपोज हे डायग्राम जर कन्सिडर केले आपण तर या स्लॉटचं हे सेंटर असणार आहे इथं आणि या स्लॉटचं हे सेंटर असणार आहे, या दोन्ही सेंटर मधलं जे डिस्टन्स असणार आहे त्याला म्हणतो आपण पोल पिच. ठीक आहे, तर यहाँ पे डेफिनेशन दिया आहे द सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स बिटवीन द स्लॉट्स इज वन पोल पिच. ठीक आहे, पोल पिच किती असतो आपला मग 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल असतो. ठीक आहे, यहाँ पे दिखाए सेकंड डायग्राम, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको पोल पिच. तो ये डायग्राम है यहाँ पे. ठीक है, तो अभी ये स्लॉट नंबर है आपका, ये स्लॉट है आपका. ठीक है, और इसका जो सेंटर है ये यहाँ पे है सेंटर आपका. ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है आपका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इसको बोलते हैं पोल पिच. ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन दिया है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ पोल फेसेस. ये जो पोल फेसेस है उसका जो सेंटर है तो ये सेंटर यहाँ पे रहेगा एग्जैक्टली बीच में. तो दो पोल फेसेस में जो सेंटर है, ठीक है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ पोल फेसेस ऑफ टू एडजेसेंट पोल. तो दो एडजेसेंट पोल है पोल्स है उसके जो पोल फेसेस है उसका जो सेंटर है उस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को बोलते हैं पोल पिच. समझ में आया? तो ये सिंपल डेफिनेशन ध्यान में रखो. ठीक है, तो ये डेफिनेशन है. तो पोल पिच की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, और पोल पिच इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं अपन, नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल, नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल. तो पोल पिच एन से डिनोट करते हैं अपन स्मॉल एन से. तो इसका फॉर्मूला रहेगा अपना नंबर ऑफ स्लॉट्स यानी एस डिवाइडेड बाय पर पोल. पर पोल के लिए पी लिया है. ठीक, तो ये है पोल पिच की डेफिनेशन. देन सिक्स डेफिनेशन है यहाँ पे स्लॉट एंगल की, इट इज डिनोटेड बाय अल्फा. सो द एंगल सबटेंडेड बाय वन स्लॉट इज कॉल्ड एज
स्लॉट है, तो एंगल सबटेंड किया होगा एक स्लॉट ने, उसको बोलते हैं स्लॉट एंगल। और वन स्लॉट एंगल होती है वैल्यू 180 डिवाइडेड बाय यन, यन यानी आपका पोल पिच रहेगा। सो 180 डिवाइडेड बाय पोल पिच, दैट इज द डेफिनेशन फॉर द स्लॉट एंगल। क्लियर है? तो यहाँ पे भी दिखाया है, देखो पोल पिच की डेफिनेशन मैंने आपको बोली अभी यहाँ पे, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ पोल फेसेस ऑफ टू एडजेसेंट पोल। ठीक है, दो एडजेसेंट पोल के जो पोल फेसेस है उसका जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है उसको बोलते हैं पोल पिच। तो पोल पिच की डेफिनेशन क्या रहेगी, फॉर्मूला क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स इन आर्मेचर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल्स। तो पोल पिच की वैल्यू होती है आपकी 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। ठीक है, कॉइल क्या होता है, मैंने ऑलरेडी अभी बताई डेफिनेशन आपको। कॉइल कंसिस्ट ऑफ टू कॉइल साइड्स, एक कॉइल में कितने कॉइल साइड्स होते हैं, दो, एंड प्लेस्ड इन टू सेपरेट स्लॉट्स, और वो दो सेपरेट स्लॉट्स में प्लेस किए होते हैं। ठीक है, स्लॉट पिच क्या होता है यहाँ पे भी, ठीक है, सो इट इज द फेज एंगल बिटवीन द टू एडजेसेंट स्लॉट्स, इट इज द फेज एंगल बिटवीन द टू एडजेसेंट स्लॉट्स, दो एडजेसेंट स्लॉट्स में जो फेज एंगल होता है उसको बोलते हैं स्लॉट पिच। एंड कॉइल स्पैन और कॉइल पिच क्या होता है फिर, तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल साइड्स ऑफ अ कॉइल, जो दो कॉइल साइड्स होते हैं उसमें का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं कॉइल पिच। तो ये होता है आपका कॉइल पिच। जो कॉइल साइड है ये एक आपकी सिंगल टर्न कॉइल दिखाई यहाँ पे भी, ठीक है, तो ये एक कॉइल साइड रहेगी और ये दूसरी कॉइल साइड रहेगी आपकी, तो ये दोनों कॉइल साइड में का जो डिस्टेंस होगा उसको बोलते हैं कॉइल स्पैन। ठीक है, पोल पिच और कॉइल स्पैन या कॉइल पिच में डिफरेंस है देखो। ठीक है, ये होता है आपका दो एडजेसेंट पोल्स में जो पोल फेसेस होते हैं, दो एडजेसेंट पोल्स के जो दो पोल फेसेस होते हैं उसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यानी आपका पोल पिच, और जो डिस्टेंस है आपका दो कॉइल साइड्स में का, कॉइल के दो जो कॉइल साइड्स रहेंगे उसमें का जो डिस्टेंस रहेगा उसको बोलते हैं कॉइल स्पैन और कॉइल पिच। ठीक है, यहाँ पे पोल पिच कितना बोला मैंने एंगल आपका, पोल पिच की वैल्यू होती है 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, तो यहाँ से यहाँ तक की एंगल कितना होगा अपना 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। क्लियर है, तो इसको बोलते हैं फुल पिच कॉइल। ठीक है, फुल पिच्ड कॉइल, क्योंकि यहाँ से ये कॉइल स्टार्ट हुई है और यहाँ पे आपकी कॉइल कंप्लीट हुई है। ठीक है, तो ये फुल पिच कॉइल रहेगी, लेकिन ये सेकेंड डायग्राम में आप देखोगे तो पोल पिच कितना रहेगा आपका 180 डिग्री यहाँ से यहाँ तक, लेकिन आपकी ये जो कॉइल साइड सेकंड है वो 180 डिग्री पे नहीं है यहाँ पे, ये थोड़े से एंगल से पीछे लिए है यहाँ पे कॉइल साइड, तो यहाँ पे जो कॉइल स्पैन है वो कॉइल स्पैन कम हो गए। ठीक है, पोल पिच आपका 180 डिग्री ही रहेगा लेकिन कॉइल स्पैन यहाँ पे कम हो गया, यानी यहाँ पे 180 से ये कम रहेगा एंगल। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। अभी दोनों की डेफिनेशन यहाँ पे दी है, देखो फुल पिच और शॉर्ट पिच कॉइल क्या होता है आपका। तो देखो, सो फुल पिच एंड शॉर्ट पिच वाइंडिंग, सो फुल पिच वाइंडिंग किसको बोलते हैं, इफ द कॉइल स्पैन इज इक्वल टू पोल पिच, जब आपका कॉइल स्पैन पोल पिच के इक्वल में रहेगा देन द वाइंडिंग इज कॉल्ड एज फुल पिच वाइंडिंग, तब उसको बोलते हैं फुल पिच वाइंडिंग। सपोज ये स्लॉट नंबर वन है आपका और ये आपका स्लॉट नंबर एन प्लस वन है, तो ये यहाँ पे आपकी ये कॉइल बन गई। ठीक है, ये आपकी कॉइल बन गई, तो यहाँ पे ये दोनों में एंगल कितना होगा आपका 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल रहेगा। यहाँ पे कॉइल स्पैन एंड पोल पिच आपके क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, तब तो उसको बोलते हैं पोल पिच कॉइल। क्लियर है, तो कॉइल स्पैन इज इक्वल टू पोल पिच, तो यहाँ पे E1 वोल्ट एंड E2 वोल्ट की वैल्यू इक्वल रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इन फेज में दिखाया है, एक ही आरो पे दिखाया है। ठीक है, देन नेक्स्ट डेफिनेशन है शॉर्ट पिच वाइंडिंग की। ठीक है, फुल पिच म्हणजे समझ लो कि कॉइल स्पैन आणि पोल पिच जर इक्वल असतील तर तेव्हा त्या वाइंडिंगला म्हणतो आपण फुल पिच वाइंडिंग, एवढंच लक्षात ठेवा। ठीक है, कॉइल स्पॅन आणि पोल पिच हे जर इक्वल असतील तर त्याला म्हणतो आपण फुल पिच वाइंडिंग, राईट।
आणि शॉर्ट पिच वाइंडिंग म्हणजे काय की इफ द कॉइल स्पॅन इज लेस दॅन पोल पिच देन दॅट वाइंडिंग इज कॉल्ड एज शॉर्ट पिच वाइंडिंग. आता इथं परत ही डायग्राम दाखवली, दिस इज स्लॉट नंबर वन, दिस इज स्लॉट नंबर एन प्लस वन. तो अगर ये कॉइल अपनी यहाँ पे कनेक्टेड होती है डॉटेड लाइन से, ये स्लॉट नंबर एन प्लस वन में अगर कनेक्टेड होती तो उसको बोलते हैं अपन फुल पिच. लेकिन अभी ये यहाँ पे कनेक्टेड है क्या? नहीं, ये यहाँ पे कनेक्टेड है. ठीक है, तो अभी ये टोटल एंगल कितना होगा आपका 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल. यहाँ से स्लॉट नंबर वन से यहाँ तक का एंगल कितना होगा आपका 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल. लेकिन अभी ये कॉइल यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पे कनेक्टेड है, तो ये अल्फा एंगल से सपोज आपकी लेस है आपकी कॉइल, यहाँ पे कॉइल साइड. तो यहाँ पे ये स्लॉट नंबर वन से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया अपना 180 डिग्री माइनस अल्फा इलेक्ट्रिकल. तो कॉइल स्पैन यहाँ पे लेस देन कितना है आपका 180 डिग्री है. ये राइट, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ शॉर्ट पिच वाइंडिंग. समझ लो कि कॉइल स्पॅन जर 180 डिग्री पेक्षा जर कमी असेल, सपोज इथं अल्फा डिग्री न कमी आहे 180 पेक्षा कॉइल स्पॅन, त्यामुळं कॉइल स्पॅन हा लेस दॅन आहे 180 डिग्री. राईट, म्हणजे तो 180 मायनस अल्फा इलेक्ट्रिकल डिग्री एवढ्या एवढा असणार आहे कॉइल स्पॅन इथं. तर कॉइल स्पॅन जर पोल पिच पेक्षा जर कमी असेल तर तेव्हा त्याला म्हणतो आपण शॉर्ट पिच पॉइंट. आणि म्हणून इथं ई वन व्होल्ट आणि ई टू व्होल्ट इथं हे दाखवलेले, आणि परत हा जो वरती यार दाखवलाय तो आहे ई टू व्होल्ट. क्लिअर आहे, त्यामध्ये ही पहा इथं ही मल्टीटर्न फुल पिच कॉईल दाखवलेली. ठीक आहे, मल्टीटर्न फुल पिच कॉईल अँड दिस इज द मल्टीटर्न शॉर्ट पिच कॉईल. ये शॉर्ट पिच कॉईल आहे. ठीक आहे, यहाँ पे कनेक्ट होनी चाहिए थी ये कॉईल, लेकिन कहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे कनेक्टेड है. तो उसकी वजह से ये आपकी मल्टीटर्न फुल पिच कॉइल है और ये आपकी मल्टीटर्न शॉर्ट पिच कॉइल. क्लियर है. नाउ वी विल सी द एडवांटेजेस ऑफ शॉर्ट पिच कॉइल्स फॉर एन अल्टरनेटर. सो हियर फर्स्ट एडवांटेज है आपके शॉर्ट पिच कॉइल का, इट गिव्स बेटर साइनसोइडल वेवफॉर्म बाय रिड्यूसिंग द हार्मोनिक कंपोनेंट्स. यहाँ पे आपको बेटर साइनसोइडल वेवफॉर्म मिलता है. ठीक है, जब हम वहां पे हार्मोनिक कंपोनेंट्स को रिड्यूस करते हैं तब हमें बेटर साइनसोइडल वेवफॉर्म मिलता है. ठीक है, समझ लो बेटर साइनसोइडल वेवफॉर्म मिळतो आपल्याला जेव्हा तिथले हार्मोनिक कंपोनेंट्स काय होतात रिड्यूस होतात. सेकंड ऍडव्हान्टेज आहे, इट सेव्स कॉपर ऍज द लेंथ रिक्वायर्ड फॉर दी कनेक्शन इज लेस. जी लेंथ लागते कनेक्शन साठी ती लेस असल्यामुळं आपल्या इथं कॉपर काय होतं, इथं कॉपर मटेरियल सेव्ह होतं. ठीक आहे, हा दुसरा ऍडव्हान्टेज. थर्ड ऍडव्हान्टेज आहे, हाय फ्रिक्वेन्सी हार्मोनिक्स विल गेट इलिमिनेट. जो हाई फ्रिक्वेंसी हार्मोनिक्स होते हैं वो यहाँ पे इलिमिनेट होते हैं. ठीक है, तो ये शॉर्ट पिच कॉइल का आपका एडवांटेज है. देन फोर्थ है आपका, एज द हाई फ्रिक्वेंसी हार्मोनिक्स आर इलिमिनेटेड. ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी हार्मोनिक्स यहाँ पे इलिमिनेट होते हैं. ठीक है, तो हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉसेस विल बी रिड्यूस. तो यहाँ पे हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉसेस आपके रिड्यूस होते हैं एंड दिस इंक्रीजेस द एफिशिएंसी. और उसकी वजह से यहाँ पे एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज होती है. ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेजेस है आपके शॉर्ट पिच कॉइल. क्लियर है, समझ में. नाउ सो हियर नाउ विल सी दी वेरियस टाइप्स ऑफ द आर्मेचर वाइंडिंग. यहाँ पे आर्मेचर वाइंडिंग के अलग अलग टाइप्स देखने हैं हमें. ठीक है, तो दी आर्मेचर वाइंडिंग कैन बी क्लासिफाइड एज सिंगल लेयर एंड डबल लेयर वाइंडिंग, देन लैप एंड वेव वाइंडिंग, देन कॉन्सेंट्रिक एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, एंड फोर्थ टाइप है आपका फुल पिच एंड शॉर्ट पिच वाइंडिंग. ठीक है, चार टाइप्स है यहाँ पे आर्मेचर वाइंडिंग के. एक होता है सिंगल लेयर एंड डबल लेयर वाइंडिंग, दूसरा होता है लैप एंड वेव वाइंडिंग, थर्ड होता है कॉन्सेंट्रेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, एंड फोर्थ होता है आपका फुल पिच एंड शॉर्ट पिच वाइंडिंग. ठीक है, तो सिंगल लेयर एंड डबल लेयर वाइंडिंग क्या होती है, देखो इफ ईच स्लॉट कंसिस्ट ऑफ वन कॉइल साइड, जब एक स्लॉट में एक ही कॉइल साइड होती है then it is said to be a single layer winding. ठीक है, एक स्लॉट में एक ही कॉइल साइड रहेगी. ठीक है, तब उसको बोलते हैं सिंगल लेयर winding. एंड इफ देर आर यस नंबर ऑफ स्लॉट
देन फॉर ईच फेज एस बाय थ्री स्लॉट्स आर अवेलेबल। अगर वहां पे एस नंबर ऑफ स्लॉट्स है अपने पास तो हर एक फेज के लिए कितने स्लॉट्स अवेलेबल रहेंगे, एस बाय थ्री स्लॉट्स अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, समझ ला काय डेफिनेशन सांगितली सिंगल लेयर वाइंडिंगची, की एका स्लॉट मध्ये जर एकच कॉइल साइड असेल तर तेव्हा त्या वाइंडिंगला म्हणतो आपण सिंगल लेयर वाइंडिंग। आणि जर असे आपल्याकडे एस नंबर ऑफ स्लॉट्स असतील तर प्रत्येक फेज साठी किती स्लॉट्स अवेलेबल असतील, एस बाय थ्री। ठीक आहे, सो दिस इज सिंगल लेयर वाइंडिंग। सो इफ ईच स्लॉट कंटेन्स टू कॉइल साइड्स ऑफ टू डिफरंट कॉइल्स, जर प्रत्येक स्लॉट मध्ये दोन कॉइल साइड्स असतील दोन डिफरंट कॉइल्सच्या, दोन डिफरंट कॉइलच्या जर दोन कॉइल साइड्स असतील प्रत्येक स्लॉट मध्ये वन अबव द अदर, एकावरती एक असतील, देन इट इज कॉल्ड एज डबल लेयर वाइंडिंग। अब उसको बोलते हैं डबल लेयर वाइंडिंग। ठीक है, यही दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, कि हर एक स्लॉट में अगर दो कॉइल साइड से दो डिफरेंट कॉइल्स के एक के ऊपर है तब उसको बोलते हैं डबल लेयर वाइंडिंग। ठीक है, और अगर एक ही कॉइल एक स्लॉट में एक ही कॉइल साइड है आपकी तो उसको बोलते हैं सिंगल लेयर वाइंडिंग। दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ सिंगल लेयर एंड डबल लेयर। तो यहाँ पे मैंने आपको एक डायग्राम भी दिखाया है, ठीक है, वहां पे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा व्हाट इज सिंगल लेयर एंड डबल लेयर वाइंडिंग। तो यहाँ पे देखो, तो ये है आपका स्लॉट, ठीक है, ये स्लॉट है और यहाँ पे आपकी ये कॉइल साइड है, ये कॉइल साइड। ठीक है, तो एक ही कॉइल साइड है एक स्लॉट में आपके, तो इसको बोलते हैं सिंगल लेयर वाइंडिंग। और डबल लेयर किसको बोलते हैं फिर, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये स्लॉट है और इसमें दो कॉइल साइड्स है, ये कॉइल साइड नंबर वन है, ये कॉइल साइड नंबर टू है। ठीक है, तो ये एक के ऊपर एक है तो इसकी वजह से इसको बोलते हैं डबल लेयर। ठीक है, डबल लेयर वाइंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको ये मल्टी टर्न सिंगल लेयर वाइंडिंग है और ये है आपकी मल्टी टर्न डबल लेयर वाइंडिंग। ठीक, समझ में आया, ये सिंपल डेफिनेशन है आपकी सिंगल लेयर एंड डबल लेयर वाइंडिंग। ठीक है, नाउ सेकंड टाइप है अपना लैप एंड वेव वाइंडिंग। तो ये ऑलरेडी हमने डीसी मशीन एंड ट्रांसफार्मर में देखा है कि लैप वाइंडिंग के लिए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स इज इक्वल टू कितने होते हैं, नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, लैप वाइंडिंग के लिए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स इज इक्वल टू हम नंबर ऑफ पोल्स लेते हैं एंड वेव वाइंडिंग के लिए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स आर ऑलवेज इक्वल टू टू लेते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी लैप एंड वेव। देन थर्ड टाइप का ये वाइंडिंग है कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, देखो नंबर ऑफ स्लॉट्स इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ कॉइल्स, नंबर ऑफ स्लॉट्स इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ कॉइल्स। नंबर ऑफ स्लॉट्स अगर इक्वल है किसके इक्वल है, ट्वाइस द नंबर ऑफ कॉइल्स से। ठीक है, इन अदर वर्ड्स इसको हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ स्लॉट्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉइल साइड्स, नंबर ऑफ स्लॉट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉइल साइड्स। ठीक है, सो कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग हैज वन कॉइल पर पेयर ऑफ पोल्स पर फेज। कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग में क्या होता है, एक ही कॉइल होती है पर पेयर ऑफ पोल्स के लिए, पर फेज के लिए एक ही कॉइल होती है वहां। ठीक है, यानी कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग में ये ध्यान में रखो सेंटेंस कि नंबर ऑफ स्लॉट्स इज इक्वल टू कितना होता है, ट्वाइस द नंबर ऑफ कॉइल्स। कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग मध्ये नंबर ऑफ स्लॉट्स से इक्वल असता तिथले ट्वाइस द नंबर ऑफ कॉइल्स च्या इक्वल मध्ये, किंवा दुसऱ्या भाषेमध्ये आपण म्हणू शकतो की नंबर ऑफ स्लॉट्स हे नंबर ऑफ कॉइल साइडच्या इक्वल मध्ये असतात। ठीक आहे, आणि त्यामुळे कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग मध्ये एकच कॉइल असते आपली पर पेअर ऑफ पोल्स पर फेज साठी। ठीक आहे, झाली कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। आता डिस्ट्रीब्युटेड वाइंडिंग म्हणजे काय, की इफ द एक्स कंडक्टर्स पर फेज आर डिस्ट्रीब्युटेड अमॉंगस्ट द एम स्लॉट्स, जर आपल्याकडे एक्स कंडक्टर्स असतील पर फेज मध्ये आणि ते जर डिस्ट्रीब्यूट केले आपण एम स्लॉट्स मध्ये पर फेज मध्ये, विच इज अवेलेबल अंडर एव्हरी पोल, हे अवेलेबल असणार आहे प्रत्येक पोलच्या तिथे। ठीक, देन द वाइंडिंग इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्युटेड वाइंडिंग, तेव्हा त्याला म्हणतो आपण डिस्ट्रीब्युटेड वाइंडिंग। म्हणजे आपल्याकडे एक्स कंडक्टर्स आहेत पर फेज मध्ये आणि ह्या एक्स कंडक्टर्सला पर फेजच्या आपल्याला डिस्ट्रीब्युट करायचंय एम स्लॉट्स मध्ये। ठीक आहे, आपल्याला माहित नाही आहेत किती स्लॉट्स आहेत ऍक्च्युली। ठीक आहे, तर हे जे कंडक्टर्स आहेत एक्स कंडक्टर्स,
पर फेज मध्ये ते डिस्ट्रीब्यूट करायचे आहेत आपल्याला, ठीक आहे, एम स्लॉट्स पर फेज मध्ये विच इज अवेलेबल अंडर एव्हरी पोल, देन द वाइंडिंग इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्युटेड वाइंडिंग. ठीक आहे, हे स्लॉट्स कुठे असतात माहिती आहे आता तुम्हाला, स्लॉट हे आर्मेचर वरती असतात, ठीक आहे, स्टेटर वरती असतात, हे लक्षात ठेवा. ठीक आहे, समजलं दोघांमधला डिफरन्स कॉन्सेंट्रिक अँड डिस्ट्रीब्युटेड वाइंडिंग. नाऊ नेक्स्ट पॉइंट आहे आपला, फोर्थ टाइप आहे आपका फुल पिच अँड शॉर्ट पिच वाइंडिंग. आताच मी तुम्हाला सांगितलं फुल पिच आणि शॉर्ट पिच वाइंडिंग काय असते, की द पोल पिच दॅट इज द नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल इंडिकेट द नंबर ऑफ स्लॉट्स दॅट कॉन्ट्रीब्युट टू 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल फेज डिफरन्स. ठीक आहे, पोल पिच म्हणजे काय किंवा फुल पिच वाइंडिंग म्हणजे काय, की नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल हे इंडिकेट करतात तिथल्या नंबर ऑफ स्लॉट्सला आणि ते किती कॉन्ट्रीब्युट करतात फेज डिफरन्स आहे 180 डिग्री फेज डिफरन्स, इलेक्ट्रिकल फेज डिफरन्स ते कॉन्ट्रीब्युट करतात. म्हणजे अँगल किती आहे त्यामधला पोल पिच मधला 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल. ठीक आहे, सो इफ द कॉइल स्पॅन ऑफ अ वाइंडिंग इज लेस दॅन 180 डिग्री, जर कॉइल स्पॅन हा लेस दॅन 180 डिग्री असेल वाइंडिंगचा तेव्हा त्याला म्हणतो आपण शॉर्ट पिच वाइंडिंग. आणि कॉइल स्पॅन जर मग 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल असेल तर ती असते आपली फुल पिच वाइंडिंग. क्लियर आहे? ये सिंगल लेयर एंड डबल लेयर की अभी डेफिनेशन आपको बोली मैंने. सिंगल लेयर में क्या होता है, वन कॉइल साइड ऑक्युपाइज द टोटल स्लॉट, एक कॉइल साइड का क्या करती है आपकी टोटल स्लॉट स्लॉट को ऑक्युपाई करती है. एंड और यहाँ पे यूज रही स्मॉल एसी मशीन, ये स्मॉल एसी मशीन में यूज की होती है आपकी सिंगल लेयर वाइंडिंग. डबल लेयर वाइंडिंग यानी आपके क्या होते हैं, कॉइल साइड इन टू लेयर्स, ये दो लेयर दिख रहे हैं आपको कॉइल साइड्स. ठीक है, and double layer winding is more common used above about 5 kilowatt machines. ये double layer winding हम commonly use करते हैं और ये आपकी 5 kilowatt machines की जो rating होती है उससे ज़्यादा kilowatt rating के लिए ये double layer winding वहाँ पे use होती है. Clear है? Then next, यहाँ पे कुछ merits and demerits दिए हैं आपके सिंगल लेयर एंड डबल लेयर वाइंडिंग की, यानी एडवांटेजेस. फर्स्ट एडवांटेज है वेरी सुटेबल फॉर स्मॉल साइज मशीन. सिंगल लेयर वाइंडिंग किसको सुटेबल होती है, स्मॉल साइज मशीन के लिए. देन सिंगल लेयर वाइंडिंग इज इजी टू रिपेयर, ये सेकंड एडवांटेज है. देन थर्ड है आपका लोअर हार्मोनिक्स होते हैं सिंगल लेयर वाइंडिंग में, लो नॉइज होता है, हाइयर स्लॉट्स स्लॉट स्पेस फैक्टर होता है इसका, एंड यहाँ पे हाइयर इफिशियंसी मिलती है. ठीक है, तो ये एडवांटेजेस है आपके सिंगल लेयर वाइंडिंग. ये दो मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है आपके मेन एग्जाम में, व्हाट आर दी मेरिट्स ऑफ सिंगल लेयर एंड डबल लेयर वाइंडिंग. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन था आपके मेन एग्जाम. ठीक है, देन नेक्स्ट है आपके डबल लेयर वाइंडिंग के एडवांटेजेस. हाईली सुटेबल फॉर मीडियम एंड लार्ज कैपेसिटी मशीन, मीडियम एंड लार्ज कैपेसिटी मशीन के लिए ये सुटेबल होती है. देन बेटर ईएमएफ वेवफॉर्म, इसका बेटर ईएमएफ वेवफॉर्म मिलता है अपने को डबल लेयर का. देन लेंथ ऑफ यंग कनेक्शंस लेस ड्यू टू शॉर्ट पिच एंड सेविंग इन कॉपर, जो लेंथ होती है यंग कनेक्शंस की वो लेस होती है शॉर्ट पिच होने की वजह से, तो वहां पे अपना कॉपर सेव होता है. ठीक है, लेंथ जी है यंग कनेक्शंस की ते लेस असते शॉर्ट पिच मुळे आणि त्यामुळे आपले कॉपर मध्ये कॉपर मटेरियल मध्ये तिथे सेविंग होते. हा तिसरा ऍडव्हान्टेज आहे. आणि चौथा आहे ऑल कॉइल्स आर आयडेंटिकल, सगळ्या कॉइल्स इथे आयडेंटिकल असतात. Hence fewer difficulties and tools for winding. त्यामुळे fewer difficulties आणि tools असतात winding. ठीक आहे, तर हे आहे त्याचे मेरिट्स अँड डिमेरिट्स. क्लिअर आहे, समज में आज के पॉइंट में कुछ और किसी को ठीक डाउट्स है तो आप मुझे कभी पूछ सकते हैं. ठीक है, सो विल स्टॉप हियर. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर अगेन. ओके, विल मीट इन द नेक्स्ट वीक. थैंक यू.